Hey, what's up, guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Neha, and you're watching Beat Blaster. So guys, आपके लिए क्या गया नई वीडियो, और आज की वीडियो का टाइटल है एक्सपेंसिव थिंग्स ओन्ड बाय एमसी स्टैन। सो आगे लिखा है फेक ज्वेलरी। सही बात है, फेक ज्वेलरी ऐसा हो नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपनी ज्वेलरी सारी की सारी दुबई से मंगाते हैं, इंपोर्ट है ना, शो करते हैं भाई वो बहुत ज्यादा, कितने करोड़ के खुद ही खुद है वो। हाँ सही बात है ना, मतलब उन्होंने पहनी वहां पे सस्ती भी है, उनको शौक भी ऐसी 80,000 के जूते। तो देखते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या है एक्सपेंसिव ज्वेलरी में उनकी। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। अस्सी हजार के शूज ही नहीं, इनके पास 6 लाख रुपए तक के भी शूज है। एमसी स्टैन की जितनी भी एक्सपेंसिव चीजें हैं वो सभी आपको आज पता पड़ जाएगी, और इनकी सस्ती से लेकर महंगी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनके वर्साचे की अंडरवेयर पर। वर्साचे ग्रे का रेड अंडरवेयर, ये 7,800 रुपए की है। किसी कॉन्सर्ट में ये इस अंडरवेयर में देखे गए थे। अमीरी लोगो टी शर्ट, इनकी म्यूजिक वीडियो शाना बंद में आपने एक टी शर्ट देखा होगा अमीरी ब्रांड का। ये रेड अमीरी लोगो टी शर्ट है जो 31,057 रुपए का है। ये यूएसए की जानी मानी क्लॉथ ब्रांड है। इसके अलावा और भी टी शर्ट है इनके पास अमीरी ब्रांड के। जॉर्डन 4 रेट्रो यूनिवर्सिटी ब्लू, शानाबन में इन्होंने जॉर्डन 4 रेट्रो पहने थे, जिसकी प्राइस 36,336 रुपए है। जॉर्डन की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, और दुनिया की सबसे महंगी शू ब्रांड में से एक है ये। प्राडा सिम्बोली सनग्लासेस, प्राडा के सनग्लासेस बहुत ही महंगे आते हैं। इस चश्मे की प्राइस है 37,500 रुपए। आजकल इस टाइप के सनग्लासेस बहुत चल रहे हैं। बेब शार्क फुल जिप हुडी, इनके इंस्टाग्राम स्टोरीज में आपने ये हुडी देखी होगी जो मात्र 41,000 रुपए की है। डीजे खालिद भी इस ब्रांड के क्लोथ पहनते हैं, और ये ब्रांड भी यूएस बेस्ड है। अमीरी कोर लोगो हुडी, ये हुडी कितने की लगती है आपको? 5,000, 10,000, 15 या 20? बिल्कुल नहीं, ये 59,000 रुपए की हुडी है। स्टैन की शायद फेवरेट ब्रांड है अमीरी, क्योंकि ये बिग बॉस में भी अमीरी पहने हुए नजर आए हुए हैं। एलवी वाटर कलर स्विम शॉर्ट्स, ये शॉर्ट्स जो आप देख रहे हैं इनकी कीमत है 63,216 रुपए, और इसके ऊपर जो जैकेट है उसकी कीमत सुन के आपका घर तो नहीं जाएगा, लेकिन पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आगे बात करते हैं इसके बारे में भी। एलवी मोनोग्राम प्रिज्म ब्लैक बेल्ट, एक आम आदमी कितने का बेल्ट पहनता होगा? तो वो है 400 या 500 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए, लेकिन ये बेल्ट 72,500 रुपए का है। एलवी का है तो महंगा हो गई। एयर जॉर्डन 1 ऑफ वाइट यूनिवर्सिटी ब्लू, ये शूज 2,25,000 रुपए का है। इस शूज के काफी फेक मॉडल्स भी बनते हैं, इससे भी महंगा शू है इनके पास, सबर तो करो। एलवी ब्लू वाटर कलर जैकेट, इस जैकेट की कीमत में 2 iPhone 14 Pro Max आराम से आ जाएंगे, जिसकी कीमत है 3,16,481 रुपए। एलवी भी काफी पहनते हैं स्टैन। एयर जॉर्डन 1 ऑफ वाइट शिकागो, ये शूज काफी रेयर है खासकर इंडिया में, इसकी कीमत 6 लाख रुपए है। काफी डिटेलिंग में इस पर काम किया गया है, स्क्रीन और रियलिटी में काफी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। कैडिलैक एस्केलेट, इस कार को इम्पोर्ट करवाया गया है जो 1,20,00,000 रुपए की है। ये फेमस एसयूवी है अमेरिका की, और कैडिलैक एस्केलेट तो होती ही है हॉलीवुड के फेमस सेलिब्रिटी के गैराज में। अब बात करते हैं इनके ज्वेलरी पर। 1.5 करोड़ की ज्वेलरी तो ये बिग बॉस में पहन के आए थे, और 1 करोड़ का इन्होंने रुपीस वाले साइन जैसी डायमंड चेन बनवाई है। और हमारे सॉन्ग्स भी आप सुन सकते हो जो कि कार म्यूजिक है, जो कार और हेडफोन्स में ही सुनना। मेरे को चक्कर आ रहा है यार। ओ भाई साहब, MC Stan है कि क्या है ये? 6 लाख के जूते कौन पहनता है यार? मेरे पास 6 लाख हो तो मैं 6 लाख का यार इतना बड़ा भाई साहब, इतना बड़ा क्या लूं? इतना लड़ कुछ इतना, भी कुछ भी भाई साहब, तुमने कुछ भी नहीं जूते लूंगी यार, लाखों चीजें करोड़ों चीजें होंगी, बस 6 लाख की 10-10 रुपए वाली चीजें लगी क्या यार? तभी भाई साहब 6 लाख के जूते, 3 लाख की जैकेट, भाई पड़ यार ये जैकेट, इसके ऊपर कुछ गिर गया खाते टाइम, 6 लाख का, 6 लाख के जैकेट के ऊपर कुछ गिर गया तो
मेरे पास 500 की जैकेट में कुछ भी नहीं, मेरे को तो हार्ट अटैक आता है। भाई साहब बेल्ट, जो बेल्ट पहनने वाली है वो 70-70 हज़ार की, मैं 300 की बेल्ट नहीं पहने, कभी जूते नहीं पहने, कभी यार 1500 चश्मे 2000 यार नीचे के टूट रहा है, क्या करना यार, 79-80 हज़ार के चश्मे इनके पास। ओ माय गॉड, भाई साहब पता नहीं कई लोग पहनते हैं ऐसे, जरूरी एमसी स्टैन ही नहीं, बहुत से स्टार पहनते हैं, उनको पहन के फील कैसा होता होगा भाई, ये नहीं समझ आ रहा है ना, कि अलग ही बंदे को अपने आप में फील होता होगा, अच्छा कि मैंने ये चीज पहनी हुई है भाई खुद में, है ना। कुछ नहीं बोल सके, मेहनत करी वो उस चीज को पहने लायक है, अब हम नहीं पहन पा रहे क्योंकि हमने उतनी मेहनत नहीं करी है या हम उतने नहीं कैपेबल है उस चीज के, तो वो है तो वो पहन रहे हैं, उनका अपना है सभी का तरीका, किस्मत वाले या कुछ मेहनत ही पहन सकते हैं, किस्मत भी है पर मेहनत तो हमारे हमारे नजरिए में किस्मत ही दोनों मिले ना, तो ये सेव हमारे नजरिए में किस्मत ही है, मेहनत तो हम कई लोग मेहनत करते हैं किस्मत नहीं होती, कई लोग किस्मत होती इनकी मेहनत नहीं होती, सही बात है ना, सो कॉम्बिनेशन होता है। सो बाकी तो फिलहाल गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।